मुंबई के कांदिवली पूर्व लोखंडवाला में स्थित मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के रिक्शा स्टैंड पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी विद्या गोस्वामी, ट्रैफिक पुलिस के PSI जाधव, स्थानीय पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल, यूनियन अध्यक्ष विजय मिश्रा, समाज सेवक पंकज तिवारी के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर तमाम रिक्शा चालक मौजूद थे। राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दिया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने और आए सभी अतिथियों ने स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। लोकांना माझ्यातर्फे 75वें स्वतंत्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो हर घर तिरंगा जो नारा लगाया था, आज आप देखोगे कि पूरे देशवासी जोश भरे से यहाँ हर घर तिरंगा मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं, भारत देश स्वतंत्र। हर यूनियन से अभी एक यहाँ पे हमारे चालक मालक रिक्शा चालक के यूनियन के मिश्रा जी हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी यूनियन है वहाँ पे हर जगह पे तिरंगा ले रहे हैं। अगर आप देखोगे तो छोटे से बड़े तक सभी लोगों ने आज या अपना स्वतंत्रता दिन मनाया है। हमारे साथ ट्रैफिक विभाग के गोस्वामी मैडम जाधव साहब हैं, पूरे यूनियन के चालक अधिक पदाधिकारी हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मोदी जी ने जो लोगों के दिल में जो राष्ट्रभक्ति जगाई है, आज तक किसी ने नहीं जगाई थी। आज मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने यह स्वतंत्रता दिन मनाने के लिए लोगों में जोश लाया है। 15 अगस्त का कार्यक्रम है वो पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ, मुंबई के महाराष्ट्र के पदाधिकारी मुंबई रिक्शा चालक मालक के हैं, हम उनको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैडम का जैसा ही 5 मिनट मालूम पड़ा कि मैडम आ रही है, वैसे हमारे जहां पदाधिकारी थे वो सब लोग पूरे भाग के मैडम के लिए कि भाई आए। और मैं जो पदाधिकारी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मैडम के हम लोग को सूचना मिलने के बाद, और हमारे जो नगर सेवक है सुरेखा पाटिल और मनोज जी, इन्होंने हमारे यूनियन को छोटा से छोटा 12 बजे रात भी ज़रूरत होएगा मैं फ़ोन किया हूँगा, तो ये रिक्शा वालों के लिए काफ़ी खड़े हैं। और ऐसे हमको अपेक्षा करते हैं कि अगले 5 वर्ष में भी ऐसा हमको नगर सेवक मिले। बस यही करके मैं 2 शब्द ख़त्म करता हूँ।